हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कोकर और आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। आज वीडियो में हम दो बाइकों का करने वाले हैं कंपैरिजन। कौन सी बाइकों का बाइक होने वाली है हमारी? ये देखिए, पहली होने वाली है हमारी प्लैटिना और दूसरी होने वाली है दोस्तों डिस्कवर। ये आप देख सकते हैं और अच्छी बात यह है, दोनों बाइक होने वाली हैं बजाज की, दोनों बाइक होने वाली हैं बहन। और एक बात है इनमें अलग अलग, बात तो बहुत सी है बट आगे पता चलता जाएगा वीडियो में। सबसे पहले जो हमें दिख रहा है ये तो हमारी 125 सीसी में है डिस्कवर, प्लेटिना है 100 सीसी में, ओनली 100 सीसी। बट इनमें बहुत सी चीज़ सेम है, जैसे कि ये डिस्क ब्रेक ना डिस्कवर में मिलता ना प्लेटिना में, ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है नॉर्मल, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। और दोस्तों टायर साइज़ की बात करें, सबसे पहले टायर से शुरुआत करते हैं आज। अगला टायर डिस्कवर में जे के टायर का मिलता है। और साइज़ की बात करें ये 2.75/17 और प्लेटिना में अपोलो का टायर अगला, और ये 2.75/17 प्लेटिना में भी इतना बड़ा टायर है, मतलब दोनों में सेम टायर है 2.75/17 का। और दोस्तों बात करें पीछे वाले टायर की, डिस्कवर में मुझे लगता है बड़ा टायर मिलेगा जितना मेरा अंदाज़ है, बट फिर भी देखते हैं एक बार। इसको इधर करता हूँ, ये दोस्तों 30/17 मिलता है इसका साइज, और ये मिलता है दोस्तों टीवीएस कंपनी का टायर। और इसमें प्लेटिना के टायर की बात करें दोस्तों, सेम टायर सेम साइज है 30/17, और इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं 30/17, ये तीन है दोस्तों, 30 नहीं है बट सेम साइज है। देखिए 30/17 और 30/17 टायर साइज तो सेम है। मैं इसलिए किया है दोस्तों कंपैरिजन, क्योंकि सीसी पड़े इनकी अलग हो पर इन्हें बहुत सी चीज़ सेम है। और बात करें यहाँ पे इंडिकेटर की, इंडिकेटर दोस्तों डिस्कवर में मिलते हैं ये, यहाँ पे बल्ब तो मिलता है दोनों में सेम रेड, बट ये यहाँ पे इसका ग्लास मिलता है ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्कवर का, प्लेटिना का मिलता है रेड। और दोस्तों बात करें टेल लाइट की, प्लेटिना की मिलती है बिल्कुल छोटी सी लाइट ये, और इसमें नीचे अंदर की तरफ मिलता है रिफ्लेक्टर। बात करें डिस्कवर की टेल लाइट की, ये मिलती है दोस्तों वाइट देखिए, और बाहर की तरफ निकला हुआ मिलता है ये रिफ्लेक्टर। और इसकी बात कर ली हमने इंडिकेटर की। और दोस्तों ये तो एक्सरसाइज का पार्ट है, ये इसमें बहुत से भाई बैग लगवा लेते हैं, ये डिग्गी बहुत से, मतलब एक्सरसाइज के पार्ट में बहुत चीज़ आती हैं, बट इसमें यहाँ पे स्पेस मिलता है, बहुत से सामान रख सकते हैं, पर इतना भी हमने रख नहीं रखा, मतलब लगवा नहीं रखा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें सबसे मेन बात साइलेंसर की, साइलेंसर की बात करेंगे बाद में, आते हैं इनके मेन सबसे पहले मीटर पर। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर कुछ ऐसा मिलता है डिस्कवर का, 140 तक मिलती है मार्किंग, यहाँ पे फ्यूल का। और दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर का लेफ्ट राइट का मिलता है इसमें ही, यहाँ पे बैटरी है इसकी लो, नहीं तो मैं सुना देता इसका हॉर्न। और ये भी दिखा देता है इंडिकेटर का, हॉर्न दिखा दूँ पहले कैसा मिलता है। हॉर्न दोस्तों लगे हैं इसमें डबल, बट छोटे छोटे हॉर्न है, इनकी इतनी अच्छी साउंड नहीं होगी। और यहाँ पे ये ओरिजिनल कंपनी का। और मिलते हैं यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर, पहली साइड ही मिलता है ऐसा ही, देखो मैं दिखा दूँगा आपको, ये ऐसा ही मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें इधर, ये यहाँ पे हॉर्न का, और ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट, और यहाँ पे हेडलाइट का, इसके हाई लो पास, और यहाँ पे पासिंग का, ऐसा ही दोस्तों। इधर ही साइड आ जाएं, इधर ये हेडलाइट का ओप पार्किंग फिर ऑन। और दोस्तों ये बटन पता नहीं कहीं का मिलता है दोस्तों, ये आप कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे सेल्फ, इधर आ जाएं प्लेटिना में, दोनों चीज़ सेम मिलती है, ये हॉर्न का और ये इंडिकेटर का, सब चीज़ सेम है लगभग। और ये मिलता है मतलब हेडलाइट का, हाई लो पास का, और ये यहाँ पे पासिंग का, ये इस साइड के सेम मिलते हैं, उधरली साइड में फ़र्क आ गया। इधर देख सकते हैं ये, इसमें यहाँ पे हेडलाइट ऑन ये मिलते हैं ओप ऑन। और दोस्तों बात करें मीटर की, मीटर दिखा दूँगा फ्रेंड्स आपको, मीटर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा मिलता है हमें मीटर, मीटर में मिलती है 120 तक मार्किंग ये। और इधर में यहाँ पे फ्यूल का, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे हेडलाइट का, यहाँ पे इंडिकेटर का डिस्कवर में तो मिलता है दोस्तों यहाँ पर, ये मैंने बताया था। और इसमें मिलता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स बात करें इसकी चाबी की, प्लेटिना की ऐसी कुछ मिलती है इसमें चाबी ये। और लगाते हैं हॉर्न दोस्तों, इसकी बैटरी लो है, डिस्कवर की भी लो है, और इसकी भी दिखा दूँ इसका हॉर्न। और
ये ऐसा कुछ मिलता है प्रेटिना का हॉर्न। दोस्तों एक बार सुनाते हैं आवाज़, हॉर्न हॉर्न की आवाज़ जब सुनाऊँगा, जब मैं सुनाऊँगा बाइकों की आवाज़। और फ्रेंड्स और बात करेंगे साइलेंसर की, देखिए ऐसा कुछ मिलता है साइलेंसर। प्लेटिना में तो ये अलग से मॉडिफाई करवा रखा है मैंने, देखिए ये अलग से बैंड पाइप लगवा के इसमें लगवा रखा है ये। और बात करें डिस्कवर की, डिस्कवर में ऐसा साइलेंसर मिलता है। सबसे पहले वे आवाज़ सुनते हैं हम डिस्कवर की, ये आपने हॉर्न की आवाज़ सुन ली साथ, हॉर्न की आवाज़ भी सुन ली साथ में, और ये साइलेंसर की तो सुन ली। अब सुनाते हैं पाइप प्लेटिना का। ये दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही, की हार्ड हो रही है थोड़ी। ये दोस्तों प्लेटिना का, और ये मैंने थोड़ी देर पहले वॉश की थी, तो मैंने साइलेंसर में भर दिया था पानी साफ करने के लिए। ये दोस्तों जब भी आप धोएं साइलेंसर में पानी भरकर फिर रेस दे देना, और ये फिर अंदर से जो कुछ भी मतलब धुआं वगैरह होगा जमा हुआ वो निकल जाएगा बाहर। और दोस्तों ऐसी कुछ थी प्लेटिना की आवाज़। हॉर्न की आवाज़ मैं सुनाई नहीं, हॉर्न की आवाज़ सुना दूँ। ये दोस्तों रेस देनी पड़ेगी, ये बैटरी इसकी ज़्यादा लो है। और दोस्तों इसमें हॉर्न भी बड़ा लगा हुआ है, इसका तो बच गया रेस देने से, इसका बच नहीं रहा क्योंकि इसमें मिलता है यहाँ पे बड़ा हॉर्न, देखिए आप देख सकते हैं। और इसमें कंपनी वाला हॉर्न मिलता है वो मैंने हटा रखा है। और यहाँ पे दोस्तों इसकी ये रिली कह रहा हूँ अभी, रिले इसके मैंने कनेक्शन हटा रखे हैं क्योंकि पहले थे इसमें डबल हॉर्न, अब है फिलहाल इसमें एक। और यहाँ पे बात करें इनके अलॉय की, सबसे पहले देखिए प्लेटिना में और इसमें डिस्कवर में सेम अलॉय मिलता है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। और ये दोस्तों आप ये मत सोचना ये डिस्कवर में लगा हुआ आता है, ये एक्स सीरीज का पार्ट, ये अलग से लगवा रखा है मतलब झंडे वगैरह लगाने के लिए। और इसमें प्लेटिना में लगने रखा, ये तो अपनी मर्जी होती है, कुछ भी लगवा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे डिग्गी भी लगवा रखी है और इसमें लग नहीं रही। सो फ्रेंड्स बात करें आगे से, इसका वाइजर, ये इसका मेन वाइजर, ये इसकी यहाँ पर लाइट, और लाइट में सबसे पहले मैं कर दूँ इसका इंडिकेटर, बन इंडिकेटर चल रहा है इसका। और यहाँ पे हेडलाइट में मिलता है दोस्तों नॉर्मल हैलोजन बल्ब, इसमें एलईडी नहीं मिलती क्योंकि जिस टाइम पर ये बाइक आती थी इनमें मतलब हैलोजन नहीं आता था, हैलोजन बल्ब। और बात करें डिस्कवर की, डिस्कवर में भी दोस्तों हैलोजन बल्ब मिलता है, और ये ऐसी कुछ हेडलाइट इसकी और वाइजर की कुछ ऐसी लुक मिलती है। यहाँ पर क्रोम फिनिश में लगे हैं इस पर कुछ। और फ्रेंड्स ये इसमें भी हैलोजन बल्ब मिलता है, और यहाँ पे ये पार्किंग, प्लेटिना में पार्किंग बल्ब मिलते नहीं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बंद है, यहाँ पे मिलते हैं पार्किंग बल्ब। और फ्रेंड्स इधर से लुक देखिए पहले दोस्तों, डिस्कवर बाइक थोड़ी बड़ी लगती है क्योंकि ये 125 सीसी इंजन के साथ, और ये मिलती है हमारी 100 सीसी इंजन के साथ। और बात करें इनके यहाँ पे टैंक कैपेसिटी की, फ्यूल कैपेसिटी की, सो फ्रेंड्स डिस्कवर में मिलता है, आप चौक जाओगे इनकी फ्यूल कैपेसिटी जानने के बाद, मतलब कितना आता है इनमें पेट्रोल, किसमें कितना आता है ये जान के आप चौंक जाओगे। डिस्कवर में आता है, सबसे पहले प्लेटिना की बात करते हैं, प्लेटिना 100 सीसी की है, इसमें मिलता है दोस्तों 11 लीटर का टैंक, 11 लीटर इसमें 11 लीटर आ सकता है इसमें पेट्रोल। और बात करते हैं डिस्कवर की, डिस्कवर में कितना आएगा, डिस्कवर में आएगा दोस्तों ओनली 8 लीटर्स। ये बाइक प्लेटिना से बड़ी है बट इसमें मिलता है छोटा, ये तो बजाज कंपनी जाने क्यों इसमें छोटा टैंक दिया है, बट दोस्तों इसमें मिलता है 11 लीटर का और इसमें 8 लीटर का। और फ्रेंड्स आवाज़ मैंने सुना दी आपको, देखिए। और यहाँ पे दोस्तों साइड मिरर, ये दोस्तों ये लेफ्ट राइट के ये हमने हटा रखे हैं, नहीं तो प्लेटिना में भी थे ये। और फ्रेंड्स ये डिस्कवर के ऐसे कुछ मिलते हैं, मिलते थे प्लेटिना के भी ऐसे ही, ये हमने हटा रखे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, और सीट की बात करें, दोनों सीट पर कवर चढ़ाए अलग से, बट दोनों की सीट है बहुत कंफर्टेबल, बैठने में कितनी भी दूर तक चले जाओ मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे इनकी दोनों की तेल, ये तो प्लेटिना का हमने काट रखा है ये मॉडिफिकेशन करने के लिए। और बात करें इधर डिस्कवर का मिलता है इसमें जॉइंट, देखिए आप देख सकते हैं दो पैंच भी खिंच रहे हैं इसमें। और इसका इसकी टेल लाइट मिलती है इसके नीचे, बहुत गैप है। और फ्रेंड्स दोनों बाइक ऐसी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया रिव्यू में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में था इतना ही, दोनों का मैं आपको कंपैरिजन दिखाया, जो कुछ वीडियो में रह गया हो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।